दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं कि बिहार में जितने भी राशन कार्ड धारी है उन सभी का यहाँ पे ईकेवाईसी सत्यापन जो है किया जाना है। अगर आप लोगों ने अपने नजदीकी डीलर या जन वितरण प्रणाली के पास जाके अपना आधार सीडिंग करवाया है तो आप लोग कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे कि आप लोगों का आधार सीडिंग यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जिससे आप लोग अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे चेक कर पाएंगे कि आप लोगों का यहाँ पे आपके राशन कार्ड से आपका आधार कार्ड जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आप लोगों को लगातार ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राशन कार्ड में आधार सीडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है और वहां पे इंस्टॉल करना है मेरा राशन ऐप को। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ऐप मिल जाएगा, उसे आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे, इस ऐप पे आने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को आधार सीडिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है जहाँ पे आप लोग दो तरह के यहाँ पे अपना राशन कार्ड नंबर से साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पे आधार संख्या मांगा जा रहा है जिसमें आप लोग कोई भी एक डिटेल्स अपना देके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आधार संख्या से यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों का जो भी आधार संख्या होगा उसे आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों का कुछ इस तरह से ये डिटेल खुल के आएगा। तो ये डिटेल आप लोगों का कुछ इस तरह से खुल के आएगा जहाँ पे आप लोगों को ऊपर आपका राशन कार्ड का डिटेल्स दिखेगा, साथ ही राशन कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे उनका नाम यहाँ पे दिखेगा और साइड में आधार सीडिंग यस, अगर आप लोगों का जुड़ा होगा तो यस लिखा होगा, नहीं हो तो नो लिखा होगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे आपके राशन कार्ड में आधार नंबर जो है जुड़ा हुआ है यानी कि ई केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है ये आप लोगों का यहाँ पे चेक हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का यहाँ पे अगर किसी भी मेंबर के सामने यहाँ पे नो का ऑप्शन आ जाता है तो आप लोगों को उसे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली के पास जाना होगा जहाँ से आप लोगों का यहाँ पे आधार ई केवाईसी सत्यापन कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इसे पूरा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों का राशन कार्ड यहाँ पे रद्द भी हो सकता है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं फिर से किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।